आज हम बता रहे हैं आपको कि पाइची के अंदर पट्टी किस तरह लगा के बनाते हैं पाइचा। तो ये देखें, पहले हमने ये शलवार की कलियां जोड़ने के बाद इसको, फिर ये बुकरम की पट्टी है, आप कोई सी भी बुकरम यूज़ कर सकते हैं। उसमें बुकरम की भी कई किस्म की आती हैं। और ये सीधी पट्टी है एक हमारे पास। तो ये देखें, 1 इंच की तकरीबन ये बुकरम की पट्टी है, और कपड़े की पट्टी जो है ये तकरीबन 2 इंच की है। तो हम इसको सबसे पहले इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। अब चाहें तो आप प्रेस करके लगा लें इसको, और नहीं तो डायरेक्ट मशीन में भी लगा सकते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट मशीन में ही लगा के दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले इस पट्टी को हम बुकरम के साथ अटैच करेंगे। अब ये देखें, हमने सिलाई लगा के इस तरह पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये एक इस तरफ से देख लें और एक इधर से देख लें। अब ये देखें, शलवार का जो हमारा साइड है, सीधा वाला साइड इस पट्टी को टच करेगा, और उल्टा साइड जो होगा ये हमारी अपनी तरफ होगा। तो अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के ही लेंगे, ताकि जब ये ऊपर फोल्ड होगा पीछे की तरफ, तो ये फिर पैंची की जो बुकरम वाली पट्टी है ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखें, यहाँ पे फिर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे इसके अंदर। अब देखें, ये सीधी सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसको पट्टी को ऐसे रखेंगे, आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको इस तरह रखते हुए इस तरह मोड़ देंगे, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं सिलाई लगाने में, तो आप किनार से शुरू कर दें, और नहीं तो फिर यहाँ पहले एक की बखिया यहाँ लगा लें, उसके बाद फिर किनार की लगा लीजिएगा सिलाई। अब ये देखिए, आप इसमें 4 से 5 बखिए एक एक पैर की सिलाई के लगा सकते हैं। तो मैं इसमें 4 से 5 बखिए लगाती हूँ। तो ये देखें, हमने 4 से ये तकरीबन 5 सिलाइयाँ इसके अंदर लगा ली हैं। और ये देखें, पीछे से भी मैचिंग धागे के साथ हमने सिलाइयाँ लगा के, अब यहाँ से जो ये कपड़ा निकलता है, अब हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करके साइड की सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। यहाँ से मुझे तैयार पांचा अपना 8 इंच रखना है। तो 8 इंच पे यहाँ मैं इस तरह ऐसे क्रॉस वाला निशान लगाएंगे हम, यहाँ से सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे।
ये देखिए हमारा पैंचा तैयार है।